Hey guys, good morning. It's 3rd October 2021 and it's 4 AM in the morning. आप time देख सकते हो. अब हम निकलेंगे ले टू मनाली की ओर. अभी बहुत अंधेरा है, हालांकि कुछ दिखेगा नहीं, बट आज हमारा गोल है ऑलमोस्ट 430 किलोमीटर ले टू मनाली मारने का है. चलो थोड़ा उजाला होता है तो वापस बनाते हैं कुछ. चलें, 4:10 हो गया निकलते निकलते, बिकॉज मेरे सेना डिस्चार्ज हो गया रात भर में, पता नहीं चला कब चालू हो गया था वो. फटाफट अभी पावरिंग वगैरह लगाया है, चार्ज होता रहेगा. अब साथ साथ तन में लीड करेगा, मैप लगा लिया. वैसे है तो सीधा ही रास्ता ले मनाली हाईवे का. टैंक है फुल सबके, जेरी कैन भी है फुल. और आज हमारा वन ऑफ द मोस्ट लंबा सफ़र, मान लो आप पहाड़ों पहाड़ों में 430 किलोमीटर्स का फ्रॉम दिस होटल टू मनाली वाला होटल. बाकी तो फिर जो लंबे लंबे सफ़र हैं वो प्लेन हाईवेज पे ही हैं, जैसे दिल्ली टू मनाली टू दिल्ली एंड दिल्ली टू भोपाल. तो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं तांगलांगलांग टॉप. ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर और रह गया है. ठंड बढ़ते जा रही है, बादल और रखे ऊपर, सनराइज़ हो रहा है. और लगभग 175 किलोमीटर रह गया सारछू. हाँ छू, हाथ में जम रही है कुल्फी, पेट में कूद रहे हैं चूहे. बर्फ जमी हुई पहाड़ों पे और वहीं ठंड से हालत टाइट हो गई है. तंगलंगलंग 25 किलोमीटर रह गया लगभग. पर दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर है, पूरा फील हो रहा है, ग्लव्स काम ही नहीं कर रहे हैं, हाथों की जम चुकी है कुल्फी. हो तंगलंगलंग हो गया है दोस्तों हमारे साथ. इतनी ठंड है, नेगेटिव टेम्परेचर है और ये मेरी बाइक का रेडिएटर अभी भी चल रहा है. आई लाइक इट. ठंड बर्दाश्त से बाहर हो रही है दोस्तों. जल्द से जल्द क्रॉस करना पड़ेगा तंगलंगलंग और नीचे उतरना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो, वरना हाथ यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे, ठाकुर बन जाएंगे हम लोग. खार दूंगा जितनी ही ठंड है दोस्तों. फर्स्ट व्यू ऑफ तंगलंगलंग लिखा हुआ है. हाथ की जम चुकी है कुल्फी, बेरेबल हो जाए, ऊपर तक पहुंच जाए, फिर नीचे की तरफ उतरना है. सूर्य देवता थोड़ी कृपा बरसाओ, काले बादल हो रहे हैं. ठीक है चले. ग्लव्स लेने थे भैया. तो मानना पड़ेगा इतनी ऊंचाई पे भी रोड बहुत अच्छी मिल रही है हम लोग को. हाथ सेक लिए हैं तो थोड़ा चल पाएंगे ऊपर तक, वरना हाथ फ्रीज होने वाले थे एकदम. उजाला हो गया है तो थोड़ा विजिबिलिटी आ गई है. लद्दाख में इस टाइम ठंड बढ़ती ही जाती है, अक्टूबर लग गया और ऑलमोस्ट अगले एक हफ्ता और ढंग से चलेगा, कैंपिंग वगैरह फिर सब बंद होने लग जाएगा. मनाली 373 NH3, क्या नज़ारा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ इसका. तो मैं स्क्रीनशॉट लूँगा गोरप्रो से. आ रहे हैं, हाथ फील नहीं हो रहे हैं. हाँ फाइनली रीच. पहले हाथ थकेंगे फिर फोटो खिंचाएंगे. तो खिंचा लिए फोटो वगैरह तांगलांगलंग में. पता नहीं इतना हाइट है, ऑक्सीजन बहुत लो है. हम लोग के ग्लव्स मेरे और ध्रुव के दोस्तों साथ नहीं दे रहे, बहुत अच्छी टेक अवे है, ग्लव्स बहुत अच्छे लेके आने हैं. सो गाइस तांगलांगला टॉप उतरने के बाद ये दिबरिंग में होम स्टे वगैरह है, यहाँ पे साउथ वाले भी रुके हुए थे. एक चीज़ बहुत अच्छी, कुछ तो व्यवस्था है एटलीस्ट, वरना बैंड बच जाए आदमी की. सेना में प्रॉब्लम आ गई थी अभी, बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है बैटरी, चार्जिंग लगा के यूज़ कर रहा हूँ मैं अब. इसके बाद आएगा दोस्तों पांग, 45 किलोमीटर, वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा. तो दिबरिंग, पांग, सारचू, ऐसे करके बहुत बीच बीच में एक दो होम स्टेज हैं बस. बाय बाय. इंजन टेम्परेचर है 44, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई गाड़ी. इतने सेमी भी लोग एक्सीडेंट कर दे रहे हैं दोस्तों, देखिए आप, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है. तो पांग रह गया ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर और एकदम से हम पहाड़ पे आ गए. यार पांग में कुछ है नहीं क्या, मेरे को हाथ पैर सीखने थे यार. ओ रे राइट में पद्मा रेस्टोरेंट रुकेंगे दोस्तों पांग में, थोड़ा रेस्ट करा जाए. ब्रेक टाइम, रिकवरी पॉइंट, रिकवरी की बहुत ज़रूरत है. ऑल राइट गाइज, पांग का ब्रेक हो गया ओवर, अब चला जाए
सारचू की ओर, लगभग 80 किलोमीटर, और लोग बता रहे हैं बहुत बहुत ऑफ रोड है। देखते हैं, 22 लूप्स भी आएगा आज तो रास्ते में। छोटा सा विलेज है दोस्तों ये पांग, छोटे छोटे काम चलाओ कैंप्स हैं इमरजेंसी स्टे के लिए। ओह पांग एल्टीट्यूड 15,280, वाह भाई सांस भी नहीं फूल रही, हम तो आदत हो गई है भाई हमें अब 15,000 फीट की। 17,000 में बस फटती है थोड़ी थोड़ी। सारचू 75, शमशेर ब्रिज भैया, इस ब्रिज का नाम है शमशेर ब्रिज। छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई नदी, ये क्या नाम है इसका, जुगल ब्रिज। ओह ओह चलो यार जुगल ब्रिज से भैया। वाह यार कितना क्लियर वाटर है यार, आई लाइक इट। हो क्या तो ऑफ रोड है यार पांग के बाद, यही समय जो बर्बाद होता है, आप कितनी भी स्पीड से आओ ले से यहाँ आके डुस हो जाओगे डुस। कहाँ 80-90 भगा रहे थे तन में, 20-25 पे आ गए हैं 30। अरे अपनी तो जीनो सब थर्ड पे भी आ जाएगी। थर्ड गियर पे चढ़ेगी बड़े आराम से, इसने पहन रखी है अमूल माचो। वापस आ गया है ऑफ रोड लगभग 15 किलोमीटर बाद पांग से, सिंपल रोड से चले। पेट्रोल के कांटे गिर चुके हैं, हाफ टैंक से भी नीचे जा चुकी है टंकी। सूरज हुआ मद्दम, ठंड लगने लगी। दोस्तों हमारी हालत जादू जैसी होगी, धूप मिलती है तो एनर्जी आ जाती है। ला चुंगला पास आ गए हैं दोस्तों हम लोग। ला चुम्मा दे दे पास। ब्रो ला चुंगला, ब्रो ब्रो ला चुंगला। खींच लो एक एक करके। वाह यार क्या तो डिफरेंट 50 शेड्स ऑफ लद्दाख देखी दोस्तों, अलग अलग पहाड़, अलग अलग शेड्स, अलग अलग रोड हैं। ओहो नीचे उतर के वापस ऊपर चढ़ना दोस्तों, दिख ही रही होगी आपको शानदार रोड है, शानदार नहीं है कफ शानदार है, ऑफ रोड ही है पूरा, नीचे जाना है। अरे अरे डीजल सुंगा देगा क्या भाई। दोस्तों सारे पास हमने कर लिए क्रॉस, बस एक लास्ट बचा है, दैट इज 12 लाचला। घाटा लूप्स बोलते हैं दोस्तों इसे, काफी घाटा हो गया लगता है पेट्रोल का हमें। 21 लूप्स है, ओहो घाटा लूप्स एंड टोटल 21 लूप्स। ओहो लदी हुई का भाई, ये मिट्टी में नहा के आ रही है। बिस्की ब्रिज दोस्तों हम रेडी हैं धूल खाने के लिए। रुकना नहीं है तन में बस। अरे ओ माय गॉड, ठंड पड़ गई यार। ब्रांडी ब्रिज, वाह यार पीछे विस्की ब्रिज था, ब्रिस्की ब्रांडी ब्रिज। पर मैं बुलेट राइडर्स के पीछे पता है एक फायदा है, वो पाथ बनाते जाएगा अपन स्किड नहीं मारेंगे।
भैया उसने मना तो कर दिया लेकिन सब आ भी रहे। अरे अरे मेरा GoPro ने धूल खा ली। अरे दिखना ही बंद हो गया यार। ध्रुव आ रहा है एक मिनट। ओहो हमने मारा दोस्तों शॉर्टकट राइट पे, बहुत ज़्यादा धूल थी फिर भी कम है कंपैरेटिवली, तभी कर पा रहे हैं। नहीं नहीं देखते चल रहा हूँ भैया पाथ। हाँ ओ माय गॉड, जीनोसो पे जो करी है दोस्तों ऑफ रोडिंग आज, इधर उधर जा रही थी, इधर उधर इधर उधर। उस धूल से बचना चाह रहे हैं जो आप राइट में देख रहे हैं, हमने बस तो गए, देखते हैं कैसे आके मिलना है उस रोड पे हमें। आजो, आजो डर हो गई, फंसना नहीं, फंसना नहीं, फंसना नहीं। हाँ हाँ अरे भैया आपका भाई एक्सपर्ट है यार, आप लोग धूल उड़ा रहे हो, मेरी विजिबिलिटी जा रही है बस से। तो भाई राइट ले लो दोस्तों, बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग करी वहाँ पे, लूज एंड पे फिर से आने वाला है पैच, उसके लिए हो रहे अपन रेडी। पूरे किट खराब हो जाएंगे, पूरे धूल में लावा लावा फोटोज खींचने का सेंस नहीं बचेगा। यस गीले कपड़े से नहीं, ध्रुव आराम से आ रहा है, वो पिछले बार गलती नहीं करी उसने कोई, मैं असली देखते हो रहता हूँ उसको। हाँ हाँ आपके लोग के पीछे ही हूँ। हाँ आ गए। अरे कितना हो रहा है, अरे बाप रे, आया साइलेंस से टकराया। दोस्तों अपन तो प्यार से ले जाएंगे अपनी बाइक को, साइलेंसर है बहुत नीचे। अरे यार तो मेरी साइड से क्यों आ रहा है ये, अब जाऊंगा नहीं कहीं मैं। और भैया भैया देख के, भैया रुकवाना पड़ेगा आपको ट्रक फिर, भैया उधर कर लो। अरे यार भैया बहुत क्लोज कॉल से मैं आया हूँ, मैं क्या बताऊँ यार, इतनी गहरी रहती हूँ। हाँ रुक जा मैं जगह ढूंढ लेता हूँ फिर, वो तो भाई बात जगह ही नहीं थी भाई, तन में वहाँ पूरी टेढ़ी करके निकाली मैंने।
एक उंगली का भी गैप नहीं था। अरे हाँ भाई, वो दोस्तों बहुत बेकार वाला सारा पैच था, ट्रक वालों की वजह से हम और पीछे हो गए थे। हमारी बाइक एक बार ऑलरेडी टकरा गई थी नीचे से, और दो ट्रक वालों ने इतना बुरा गुस्सा आपने देखा है अभी अभी। नहीं, धीरे से टकराई थी मैं, 5-6 स्पीड में। अभी तुम धूल में ना हो गए। वाह, रिवॉर्डिंग रिवॉर्डिंग, इट इज़ रिवॉर्डिंग।